नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। उन खबरों पर आज हम बात करेंगे जिस पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की कार का एक्सीडेंट हो गया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि वो गिरिराज दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही भरतपुर के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें कि भजन लाल शर्मा की कार का पहिया सड़क के किनारे बनी नाली में चला गया। मुख्यमंत्री जिस साइड बैठे हुए थे वही कार का हिस्सा एकदम झुक गया और गाड़ी बंद हो गई। कार का पहिया नाली में जाने और कार बंद होने के बाद मुख्यमंत्री को दूसरी गाड़ी से रवाना किया गया। डींग जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया है कि किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से सीएम की कार का एक्सीडेंट हुआ उससे अफरा तफरी जरूर मच गई। दरअसल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गृह जिले भरतपुर में भव्य एक समारोह में शिरकत करने के लिए जा रहे थे और साथ ही साथ मंदिर में दर्शन भी उनको करना था, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हुआ। चलिए बढ़ते आगे। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करना टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को भारी पड़ गया। जी हां, दिल्ली में ही उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है और ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि टीएमसी सांसद की गिरफ्तारी भी हो। जिस तरीके से उन्होंने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करी थी वो वीडियो भी लगातार अब वायरल हो रहा है। इस पर जगदीप धनखड़ ने भी आपत्ति जताई थी। दरअसल विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किए जाने के बाद संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। डिफेंस कॉलोनी थाने में अभिषेक गौतम नाम के एक वकील ने ये शिकायत दर्ज कराई है, जिसे पुलिस ने स्वीकार भी कर लिया है। इसके आधार पर जाँच भी शुरू कर दी गई है। अभिषेक ने अपनी शिकायत में उपराष्ट्रपति के अपमान का दावा कर टीएमसी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मामला सदन के बाहर का है और अगर शिकायत पर कार्रवाई हुई तो गिरफ्तारी भी संभव है। हालांकि अभी शिकायत के आधार पर कौन सी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है ये साफ नहीं है, इसलिए इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि जिस तरीके से टीएमसी सांसद मिमिक्री कर रहे थे वहीं राहुल गांधी वीडियो बनाने में मशगूल थे। इस पर भी आपत्ति जताई गई है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जहां टीएमसी सांसद को उन्हें रोकना चाहिए लेकिन रोकने के बजाय वो खुद वीडियो बनाने में बिजी हो गए। बढ़ते आगे। आज दिल्ली में संसद भवन में कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। बताया जा रहा है कि कई सारे मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और इसके साथ ही पीएम के नाम को लेकर और पीएम के चेहरे को लेकर भी कुछ खुलासा होने की संभावना है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर अमित शाह के बयान की मांग करने वाले सांसदों के सस्पेंशन पर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल 14, 18 और 19 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा से 141 सांसद सस्पेंड हुए, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 57 सांसद हैं जो कि 40 लोकसभा से हैं और 17 राज्यसभा से। बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार इतने सांसद सस्पेंड हुए। सोमवार यानी कि 18 दिसंबर को कुल 78 सांसदों को निलंबित किया गया और ये पहली बार इतना जो सांसद हैं निलंबित किए गए हैं। इससे पहले 1989 में राजीव सरकार में 63 सांसद निलंबित किए गए थे और उसके बाद से ये हम दूसरा जो मामला है वो देख रहे हैं जहाँ पर कि संसद से एक साथ 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर हैं ममता बनर्जी और ये भी बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी अपने राज्य के बकाया भुगतान की मांग भी यहां पर पीएम मोदी से करेंगी। इसके साथ ही अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो पीएम मोदी के साथ चर्चा करेंगी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी को मुलाकात का जो दिन है वो 20 दिसंबर को दिया गया था और इसी के तहत आज मुलाकात यहाँ पर पीएम मोदी से वो करने वाली हैं। जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी को आज ही 11 बजे संसद में पीएम मोदी से मिलने का समय मिला है। कोलकाता से रवाना होने से पहले ममता ने एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बात भी करी और उन्होंने कहा कि केंद्रीय निधि जारी करने की मांग को लेकर वो पीएम मोदी से मिल रही हैं। आपको बता दें कि बनर्जी ने एक सप्ताह की शुरुआत में दावा किया था कि केंद्र को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा के तहत पश्चिम बंगाल को भी बकाया राशि देनी है।
चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में भी लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई खबर हम ऐसी सुनते हैं जो हमें अंदर से झकझोर कर रख देती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर दिल्ली के स्वरूप नगर में एक 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई। बताया जा रहा है कि 52 वर्षीय मकान मालिक ने ही 9 साल की बच्ची के साथ ये कुकर्म किया और उसके बाद इसे मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले की जाँच पुलिस की तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि 52 वर्षीय मकान मालिक ने 12 दिसंबर को 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने बच्ची के शव को मुनक नहर में फेंक दिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपी को किडनैपिंग, दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि बच्ची को 12 दिसंबर को आरोपी की गाड़ी में बैठे देखा गया था। 17 दिसंबर को आरोपी ने कबूल किया कि उसने बच्ची के शव को नहर में फेंक दिया। पीड़ित बच्ची के शव को नहर से निकालने के लिए 5 गोताखोरों को काम पर लगाया गया है। पुलिस ने बताया है कि अभी तक बच्ची की लाश को ढूंढा नहीं जा सका है। एक और जहां पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है, ठंड बढ़ रही है, तो उसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी शीतलहर का प्रकोप है। सुबह और शाम के वक्त यहां पर ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है, इससे और भी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। तमिलनाडु और केरल में पिछले कई दिनों से बारिश जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड अब पड़ रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार और पंजाब के तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार की बात करें तो दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। बढ़ती ठंड के बीच दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 300 के आसपास रहा। पहाड़ी राज्यों, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बारिश के चलते तमिलनाडु में 10 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो ये थी वो बड़ी खबरें जिन पर आज पूरा दिन हमारी नजर रहेगी और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।